हे गाइस, कॉल बैक में द वीडियो। और गाइस, ये है सैमसंग गैलेक्सी A52। एज यू कैन सी, दिस इज द बॉक्स। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशन तो नहीं लिखी है, बट यहाँ पर आपको जो है एक बेसिक रैम और आपको जो है इंटरनल स्टोरेज के बारे में बताया गया है, जहाँ पर की है रैम 6 GB और इंटरनल स्टोरेज 128 GB की। और यहाँ पर आपको जो है कलर के बारे में बताया गया है, जो है ऑसम वाइट। तो करते हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर और क्या कंटेंट्स देखने के लिए मिलते हैं फ़ोन के अलावा। और यहाँ पे तो प्राइस की लिखी है, वो है 30,000 रुपीज़, बट ये करेक्ट प्राइस नहीं है। ये फ़ोन आपको 26,499 के अंदर मिल जाएगा। बॉक्स को खोलते हैं तो यहाँ पर हमें जो है एक सेमी इजेक्टर टूल देखने के लिए मिल जाता है, और इसके अंदर जो है हमें बेसिक एक पेपर वर्क देखने के लिए मिलेगा। सरप्राइजिंगली हमें केस देखने के लिए जो है नहीं मिलता, दो इस फ़ोन की प्राइस अराउंड 26,000 रुपीज़ है, फिर भी हमें कोई केस वगैरह नहीं देखने के लिए मिलता, तो ये थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगती है। बट आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारे सामने फ़ोन, तो इसको निकालते हैं बाहर। और कुछ इस तरह की जो लुक दी गई है, और फ्रंट से कुछ इस तरह की लुक दी गई है, इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड पे। और बात करते हैं बॉक्स के कंटेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो है हमें एक USB टाइप ए टू USB टाइप सी वाली जो है केबल देखने के लिए मिलती है। और साथ में जो है हमें इस फ़ोन के अंदर 15 वॉट का एक चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, बट फ़ोन के अंदर आपको अराउंड 25 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है, बट बॉक्स के अंदर आपको जो है एक 15 वॉट का जो है चार्जर देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, कुछ इस तरह का जो है हमें ये फ़ोन देखने के लिए मिलता है। बट आप फ़ोन बूट अप करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा स्मार्ट मोबाइल स्टोर को, जिन्होंने ये फ़ोन जो है मेरे को प्रोवाइड किया है अनबॉक्सिंग और रिव्यू के लिए। एंड अब करते हैं इस फ़ोन का फिज़िकल एक ओवरव्यू। तो फ्रंट में आपको जो है 6.5 इंचेस का एक फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो है 90 हर्ट्स का, और 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी जो है देखने के लिए मिल जाएगा। और टॉप में आपको जो है सिम कार्ड वाला ट्रे जो है देखने के लिए मिल जाती है, और साथ में आपको एक माइक्रोफोन भी जो देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आपको अगर मैं बॉटम की बात करूं तो आपको हेडफोन जैक देखने के लिए मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलता है, और आपको जो है इसमें मेन माइक्रोफोन नीचे की तरफ देखने के लिए मिलता है। और ये जो स्पीकर है ये स्टीरियो स्पीकर है, तो आपको फ्रंट और बॉटम दोनों से जो है आपको आवाज़ आएगी। तो स्पीकर के मामले में जो है ये काफ़ी एक अच्छा फ़ोन हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ तो राइट साइड की, तो आपको जो है यहाँ पर पावर बटन और साथ ही साथ वॉल्यूम रॉकर्स देखने के लिए जो है मिल जाते हैं। लेफ़्ट साइड जो है आपको पूरे फ़ोन के कुछ भी जो है देखने के लिए नहीं मिलता। और बैक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो है देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलती है, जो है OIS, और साथ ही साथ आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको जो है 2 5 मेगापिक्सल के कैमरा देखने के लिए मिलते हैं, जो है डेप्थ और मैक्रो कैमरा। 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है देखने के लिए इस फ़ोन के ऊपर मिल जाता है। और अगर मैं बैक की बात करूं तो ये आपको पॉलीकार्बोनेट बैक या प्लास्टिक बैक जो है देखने के लिए मिलती है, ये ग्लास बैक आपको इस फ़ोन के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलेगी। बट इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी स्मूथ सा आपको जो है टेक्सचर इस फ़ोन के ऊपर देखने के लिए मिलता है। और आपको जो है मैं सिम कार्ड वाली ट्रे भी दिखा देता हूँ कि आपको सिम सॉल्यूशन जो है क्या देखने के लिए इस फ़ोन के ऊपर मिल जाएगा। तो ये जो है आपको इस फ़ोन के अंदर हाइब्रिड सॉल्यूशन जो है देखने के लिए मिलता है, या तो आप दो डुअल कार्ड लगा सकते हैं, नैनो सिम कार्ड लगा सकते हैं, या फिर एक हाइब्रिड माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं 1 TB तक का। और फ़ोन के अंदर आपको जो स्टोरेज मिलती है वो तो आपको 128 GB मिली जाती है, बट वो UFS 2.1 स्टोरेज है, 3.1 स्टोरेज आपको इस फ़ोन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलने वाली। और गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर रबर गैस्केट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आपको IP67 की वाटर रेजिस्टेंस जो है देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइस, अब इस फ़ोन को जो है हम बूट करते हैं, और मैं फटाफट से इस फ़ोन को सेट भी कर लूँगा, और फिर आपको जो है एक एक्सपीरियंस बताऊँगा कि पूरे फ़ोन को यूज़ करने का कैसा जो है आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा।
तो गाइस इस फ़ोन को जो है मैंने पूरी तरह से सेट कर लिया है, और आप अगर स्क्रीन क्वालिटी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको अच्छी स्क्रीन क्वालिटी देखने की मिलती है, और आपको यहाँ पर काफ़ी सारे टॉगल्स भी जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं फुल ब्राइटनेस की कर देता हूँ तो देख सकते कितना ज़्यादा आपको ब्राइट डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले है, फुल HD प्लस और 90 हर्ट्ज़ का। और लेकिन ये जो रिफ्रेश रेट है ये एक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट है। आप मोशन स्मूथनेस पे जाएंगे और अगर स्टैंडर्ड कर देते हैं तो आप जो है 60 हर्ट्ज़ कर सकते हैं या फिर हाई कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये 90 हर्ट्ज़ से चल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। बट हर एक सैमसंग फ़ोन की तरह इसके अंदर आपको काफ़ी सारा ब्लोटवेयर देखने के लिए मिलता है, जैसे फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये सब आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं, स्नैपचैट, शेयर चैट, प्राइम, अमेजोन, ये सब आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं। बस ये एक थोड़ी सी मेरे को वियर्ड बात लगती है कि सैमसंग के फ़ोन में कि इतने सारे ऐप्स प्री इंस्टॉल होकर आते हैं, तो थोड़ी सी स्टोरेज का थोड़ा सा इशू जो है आ जाता है। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 720G लगा हुआ है। सो गाइस स्पीकर और साथ साथ डिस्प्ले क्वालिटी को एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं, तो यूट्यूब पे मैं एक अपनी वीडियो प्ले कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्पीकर क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, डिस्प्ले क्वालिटी तो ऑफकोर्स सैमसंग की स्क्रीन है तो डिस्प्ले क्वालिटी तो आपको ऑफकोर्स अच्छी जो है देखने के लिए मिलने वाली है इस फ़ोन के ऊपर। बट एक बात है कि 720G प्रोसेसर है तो ये ऑफकोर्स गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा जो है एक नहीं रहने वाला फ़ोन, क्योंकि गेमिंग के लिए थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक प्रोसेसर तो नहीं है। बट स्टिल इस फ़ोन के अंदर जो है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है देखने के लिए मिल जाता है, तो एक बार उसको भी जो है टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अगर फोन को लॉक कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ अपने फिंगर, तो काफ़ी क्विकली जो है ये अनलॉक कर रहा है। एक और बार हम जो है टेस्ट कर लेते हैं तो काफ़ी, और ये जो पोजीशन है मैं बोलूँगा फिंगरप्रिंट स्कैनर की, ये काफ़ी सही जगह पर है, क्योंकि मोस्टली लोग जब यहाँ पे टच करते हैं तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि हमारा थंब मोस्टली ऐसे हो जाता है। बट अगर नीचे की तरफ होगा तो हम इजीली जो है इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी जगह पर जो है सैमसंग ने इम्प्लीमेंटेशन करी है फिंगरप्रिंट स्कैनर की, और ये जो स्पीड है ये भी काफ़ी जो है हमको अच्छी देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन की मेन चीज़ के बारे में, जो है इसके कैमरास, क्योंकि इसके अंदर आपको जो मेन कैमरा मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का है, और उसके अंदर आपको OIS का जो है सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक बार जो है कैमरा ओपन करके देखते हैं और उसका इंटरफेस वगैरह देखेंगे कि आपको किस तरह का इंटरफेस वगैरह जो है कैमरा का देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का जो है आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा कैमरा का, टिपिकल सैमसंग स्टाइल वाला ही आपको जो है इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पर आपको कुछ नए मोड्स भी जो है देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर फन मोड है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि स्नैपचैट के जो फिल्टर्स होते हैं वो आपको डायरेक्ट आपके इस फ़ोन के कैमरा के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि ये वाले फ़ोन के अंदर सैमसंग ने जो है स्नैपचैट के साथ एक पार्टनरशिप जो किया है, तो उसी के साथ आपको जो है सारे फिल्टर्स वगैरह जो है इसी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी जो है इम्प्लीमेंटेशन की है। बाकी तो आपको यूजुअली जो सैमसंग का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल ही जाएगा। और अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो अपना हाथ दिखा सकते हैं, उससे भी जो है अपनी सेल्फी वगैरह क्लिक कर पाएंगे। और इस फ़ोन के अंदर आपको जो सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर फीचर आते हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको प्रो मोड, नाइट मोड भी जो है आपको देखने के लिए मिलता है, और प्रो वीडियो का भी जो आपको मोड देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो फिर आप उसमें ISO, शटर स्पीड वगैरह को जो है चेंज कर पाएंगे, मैनुअल फोकस वगैरह को जो है आप चेंज कर पाएंगे। तो फटाफट मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स वगैरह जो है शो कर देता हूँ जो मैंने इसी फ़ोन से जो है क्लिक किए हैं, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल पाए। सो कुछ इस तरह की आपको जो है कैमरा क्वालिटी जो है देखने के लिए मिल जाएगी इस फ़ोन के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने मैक्रो से भी जो है शॉट्स लिए हैं, अल्ट्रा वाइड से भी जो मैंने एक शॉट लिया है,
और नॉर्मल कैमरा से भी जो है मैंने शॉट लिए हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया जो है देखने के लिए मिल जाएगा किस तरह की जो है आपको फ़ोटोज़ देखने के लिए मिलती हैं। और इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का, तो आपको उसका भी है एक आइडिया देखने के लिए मिल जाएगा कि वो आपको जो है कैसा परफॉर्मेंस दे देगा। और इस फ़ोन के अंदर आपको एंड्रॉयड वर्जन तो देखने के लिए मिलेगा, वो लेटेस्ट मिलेगा जो है एंड्रॉयड 11, और जो वन यूआई है वो भी आपको 3.1 देखने के लिए मिलता है, जो सैमसंग का बिल्कुल लेटेस्ट वन यूआई है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए अपने फेवरेट फीचर्स के बारे में इसी फ़ोन के, और अपने फ्रेंड के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो ये फ़ोन लेने में इंटरेस्टेड हैं या हो सकते हैं। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी जो है ज़रूर से प्रेस कर दिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप कुछ भी अपडेट वगैरह मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका देखने के लिए थैंक यू।